क्या आप जानते हैं कि बुलेट प्रूफ कांच क्या होता है, इस पर गोली का असर क्यों नहीं होता, बुलेट प्रूफ कांच किस चीज का बना होता है? आपने बुलेट प्रूफ कांच के बारे में तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुलेट प्रूफ कांच किसी भी बंदूक की गोली को कैसे रोक लेता है? बुलेट प्रूफ कांच गोली को कैसे रोकता है, यह समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि बुलेट प्रूफ कांच बनाए कैसे जाते हैं और इसे बनाने की किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों से मिलकर बनाई जाती है, लेकिन इसके बीच में पॉलीकार्बोनेट की परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। तो लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग करके बुलेट प्रूफ ग्लास बनाई जाती है और यह कांच जितनी ज्यादा परतें होगी यह कांच उतनी ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि यह पॉलीकार्बोनेट ग्लास यानी कि कांच को एक असामान्य मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। इस कांच के बीच सैंडविच किए गई कुछ अन्य पदार्थों में जैसे कि आर्म मेकर्स, साइरोलन, लेक्सन और फुटाक शामिल होता है। आपको बता दें कि इस कांच की मोटाई 7 से 75 मिलीमीटर होती है। ये बुलेट प्रूफ कांच काफी मोटे और वजनदार भी होते हैं। जब बुलेट प्रूफ ग्लास पर बंदूक की गोली चलाई जाती है तो इसकी बाहरी परत में छेद हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीकार्बोनेट की परतें मौजूद होती है आमतौर पर इन्हें प्लास्टिक परतें भी कहा जाता है, तो इस बुलेट यानी कि गोली की ऊर्जा को सोख लेती है और इसे बाकी दूसरी परत में बांट दी जाती है। जब गोली कांच पर पड़ती है तो वह गोली की ऊर्जा अपने निशाने पर ही नहीं पड़ती बल्कि बड़े एरिया में फैल जाती है, तो इस वजह से बंदूक की गोली का असर कम हो जाता है और कुछ इस तरह कांच की गोली आखिरी लेयर को पार नहीं कर पाती। आज के आधुनिक बुलेट प्रूफ कांच केवल लेमिनेटेड सेफ्टी कांच का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसका आविष्कार एक फ्रांसीसी केमिस्ट द्वारा किया गया था और इन्होंने 1909 में इस विचार पर एक पेटेंट भी लिखा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल उन बिल्डिंग खिड़कियों में किया जाता है जिन्हें इस तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके अलावा गहनों की दुकान में, दूतावास में भी और कुछ पर्सनल वाहनों पर भी इन बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल किया जाता है।